हेलो व्यूअर्स, आपको अंतालिया में खुश आमदेद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगेगा। आज हम आपको मार्कंतालिया ले चलेंगे। मार्कंतालिया सिटी सेंटर है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड से विजिटर्स आते हैं, शॉपिंग करते हैं, और बहुत खूबसूरत प्लेस है। ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, ये मार्कंतालिया है। ये अंतालिया का सिटी सेंटर है। बहुत खूबसूरत जगह है मार्कंतालिया। यह अंतालिया शहर का सिटी सेंटर है, मेन हब है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये मेट्रो आ रही है, मेट्रो ट्रेन जो अभी लाहौर में भी शायद एक बनी है, तो ये मेट्रो ट्रेन है। यहाँ पर दो मेट्रोस चलती हैं, एक हवालीमानी चलती है और एक्सपो के नाम से चलती हैं। हवालीमानी जो है वो चलती है एयरपोर्ट के लिए, और जो एक्सपो है वो दूसरा सिटी सेंटर में चलती है। आप ये देखें, ये हवालीमानी मेट्रो आ रही है, ये सीधा आपको एयरपोर्ट पर लेके जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो हमारा जो लोकल बस में जो कार्ड चलता है, वही कार्ड इसमें लगता है। ये मार्कंतालिया मार्कंतालिया से पूरे शहर के लिए बसेस निकलती हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, आप जरूर आएं अपनी फैमिलीज के साथ। ये बाहर का व्यू है मार्कंतालिया का। अब ये इस वक्त ज़रा शाम का टाइम है ना, लेकिन यहाँ पर रौनक भी शाम के टाइम ही होती है। जैसे जैसे शाम बढ़ती जाएगी, यहाँ का मज़ा दुबाला होता जाएगा। बहुत ज़बरदस्त खाने यहाँ पर, रेस्टोरेंट्स, बहुत प्यारी जगह। मार्कंतालिया के जस्ट बैक पे बीच है, जो अंतालिया बीच भी कहलाता है। एक्चुअली जो अंतालिया है, ये बीच सिटी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये एक जजीरा भी है। इसके चारों तरफ आपको समंदर मिलेगा और सेंटर में अंतालिया शहर है। मुख्तलिफ बीचेज हैं यहाँ पर, लारा बीच है, अंतालिया बीच है, कुन्यालती बीच है, और बहुत ही खूबसूरत बीचेज हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर आपको सफाई बहुत ज़्यादा मिलेगी, आपको कहीं पर भी कोई गंद ज़रा सा भी नज़र नहीं आएगा।
24 आवर्स लोग काम कर रहे हैं, अपने अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं, सफाइयां कर रहे हैं, और फिर लोग भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपनी कंट्री का। ये मेन एंट्रेंस है, मार्क अंतालिया शॉपिंग मॉल की मेन एंट्रेंस, वॉक थ्रू गेट, सिक्योरिटी चेक, यहाँ आपको ऑल जितनी भी ब्रांड्स हैं सब की आपको मिलेंगी आउटलेट्स। एल सी वकी की बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है यहाँ की। ये अंदर का व्यू है, जितनी खूबसूरत जगह है इतने खूबसूरत लोग भी हैं। ये विंटर वेयर अराइवल्स हैं, क्योंकि अब तो यहाँ पर सर्दी का मौसम ऑलमोस्ट शुरू हो ही गया है और ये विंटर वेयर्स आ गई हैं, जैकेट्स, लेदर जैकेट्स, कार्डिगन्स, स्वेटर्स, इन चीज़ों को देख के लगता है कि वाकई सर्दी आ चुकी है। ये डाउनस्टेयर्स जाएंगे, यहाँ पर किड्स की कलेक्शन है, यहाँ पर जीरो साइज से लेके आपको एज 14 तक जितने भी बच्चों के गारमेंट्स हैं सब मिलेंगे यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस पे। और यहाँ की सबसे बड़ी बात यह कि कोई फ्रॉड नहीं है, जो भी चीज़ आप ख़रीदेंगे वो आपको जो है उसी वक्त बिल देंगे, कंप्यूटराइज बिल आपको देंगे। आप छोटी से छोटी शॉप पर भी चले जाएं वो भी आपको बिल देगा, ये नहीं देखेगा कि ये फॉरनर है तो इसको चीट करना है, ये बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ये कंसेप्ट ही नहीं है। जो चीज़ आपने ख़रीदनी है बिल देना है, पैसे देने आपने बिल लेना है। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तानी इसको बहुत लाइक करते हैं ये टर्किश। कॉटन वेयर शॉप, ये रिफ्रेशमेंट एरिया है, जब आप शॉपिंग से थक जाएं तो फिर आके यहाँ पर रिफ्रेशमेंट करें। यहाँ पर आपको जितने भी बड़ी ब्रांड्स के होटल रेस्टोरेंट्स हैं सब आपको मिलेंगे यहाँ पर, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, बर्गर किंग और जितने भी हैं, सबवे, और क्वालिटी एक नंबर, कोई फ्रॉड नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं, बहुत हाइजेनिकली फूड होता है इनका टर्किश का और बड़ा टेस्टी होता है। कभी मौका मिले तो आप ज़रूर आइए अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर विज़िट करें, एंजॉय करें यहाँ पे।
अभी यहाँ पर आप अपना ऑर्डर्स दे सकते हैं। ऑर्डर देने के बाद ये आपको एक बेल टिल्ट दे देते हैं, जब आपकी टर्न आती है तो आपकी वो बेल बजर करती है, फिर आप जाके अपना जो है ऑर्डर कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर ये सेल्फ सर्विस है, खुद ही आपको जाना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है, अपनी ट्रे लेनी पड़ती है, उसके बाद अपना जो ऑर्डर है वो कलेक्ट करना पड़ता है। ये जी टर्किश प्लेटर है, टर्किश प्लेटर में आपको चिकन मिलेगा, साथ में सैलेड मिलेगा, साथ में इसकी मैक्रोनीज टाइप जो भी है वो आपको मिलेगी। बहुत ही टेस्टी होता है, ख़ास तौर पर बच्चे इसको बड़े शौक से खाते हैं, क्योंकि ये इसमें चिली नहीं होती है, जिसको आप कहते हैं, हम पाकिस्तान में कहते हैं कि इसमें मिर्च नहीं होती। ये बाहर का नाइट व्यू है, अब हम बाहर आ चुके हैं। बहुत खूबसूरत फाउंटेन, अब हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। हमें तो आज का विज़िट बहुत पसंद आया, हमने तो अपना खाना भी बड़ा एंजॉय किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा, आप भी अपनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी मेरी वीडियो। आपके फीडबैक का मुंतज़िर। ये जी अभी हमारे बिल्कुल अपार्टमेंट के पास मैं बिल्कुल पहुंच गया हूँ। जी हम अपने घर पहुंच गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।